गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। पिछली क्लासेस में हमने सीक्वेंस के टाइप, कन्वर्जेंट सीक्वेंस, इंक्रीजिंग मोनोटोनिक डिक्रीजिंग सीक्वेंस और साथ ही और बहुत सारी प्रॉपर्टीज सीक्वेंस की पढ़ी है। आज अपन कुछ स्पेशल टाइप की सीक्वेंसेस पढ़ेंगे और वो सीक्वेंसेस कन्वर्जेंट होती है तो उसकी क्या कंडीशंस होती है, वो कुछ रिजल्ट्स अपन आज पढ़ेंगे। सो फर्स्ट मोनोटोनिक इंक्रीजिंग सीक्वेंस, जैसे अपन ने पहले भी पढ़ा है मोनोटोनिक इंक्रीजिंग सीक्वेंस क्या होती है, और यदि मोनोटोनिक इंक्रीजिंग सीक्वेंस होती है और वो मोनोटोनिक इंक्रीजिंग सीक्वेंस यदि कन्वर्जेंट होती है तो उसका क्या रिजल्ट होता है, ये कुछ चीजें अपन आज पढ़ेंगे। सो फर्स्ट रिजल्ट वी विल डिस्कस टुडे एज थ्योरम। थ्योरम इज दैट ए मोनोटोनिक इंक्रीजिंग सीक्वेंस इज कन्वर्जेंट, if and only it is bounded and in this case the limit of xn is equals to the supremum of the sequence selection. हमें प्रूव करना है कि एक कन्वर्जेंट सीक्वेंस एक स्पेशल टाइप की है जो यहां दी हुई है कि मोनोटोनिक इंक्रीजिंग सीक्वेंस है। एक मोनोटोनिक इंक्रीजिंग सीक्वेंस अपन को दी हुई है, वो मोनोटोनिक इंक्रीजिंग सीक्वेंस कन्वर्जेंट कहलाती है यदि यह बाउंडेड है। या दूसरे शब्दों में अपन ये कह सकते हैं, यदि कोई सीक्वेंस अपन कन्वर्जेंट लेकर के चलेंगे तो अपन को यह प्रूव करना है कि वो बाउंडेड होगा और साथ ही उस वाली स्थिति में उसकी जो लिमिट होगी वो लिमिट उस सीक्वेंस के सुप्रीमम के बराबर होगी, ये अपन को प्रूव करना है। पहले अपन ये लेकर के चले, Elect the sequence xn is अपन पहले ये लेकर के चलें कि जो सीक्वेंस xn है वो कन्वर्जेंट सीक्वेंस है। यदि ये कन्वर्जेंट सीक्वेंस है तो निश्चित रूप से इसकी लिमिट है। अपन ये भी मान लें कि लिमिट ऑफ xn व्हेन n टेंड्स टू इनफाइनाइट इज इक्वल्स टू, सीक्वेंस कन्वर्जेंट है और उसकी लिमिट n है, तो कन्वर्जेंस की जो डेफिनेशन है उस डेफिनेशन से अपन ये जानते हैं, देन बाय डेफिनेशन फॉर epsilon greater than 0 there exists n 0 belongs to n such that modulus of xn minus l is less than epsilon for all n greater than 0। यदि सीक्वेंस कन्वर्जेंट है और उसकी लिमिट यदि l है तो डेफिनेशन से अपन ये जानते हैं कि epsilon greater than 0 के लिए एक ऐसा नेचुरल नंबर n 0 जरूर मौजूद होगा कि modulus of xn minus l is less than epsilon for all n greater than n। इसको अपन इस तरह से भी लिख सकते हैं, this implies xn lies between l minus epsilon and l plus epsilon for all n greater than n। xn lies between l minus epsilon and l plus epsilon. If we take supremum of this one, taking supremum, we get supremum of L minus epsilon is less than supremum of sequence xn.
which is less than supremum of L plus epsilon. Since L minus epsilon and L plus epsilon are independent of N, so we can write it as L minus epsilon is less than supremum of Xn and which is less than L plus epsilon. Or we can write it as supremum of Xn minus L is less than epsilon. Or in other words, we can write it as supremum of Xn is equals to and L, what is L? We have taken L is the limit of this sequence. Since the sequence is convergent and its limit is equals to N and L is equals to supremum of Xn, so first part is over, that thus when sequence is convergent then it is bounded and its limit L is equals to the supremum of Xn, which is the first part, necessary part. Now by taking the converse part of this theorem, let converse part, let a sequence Xn, as we know that the sequence is given monotonic increasing, let a sequence Xn is bounded. The sequence हमें जो दे रखा है वो monotonic increasing sequence है, अपन ये मान के चल ले कि ये सीक्वेंस बाउंडेड है। अपन को ये प्रूव करना है कि ये जो सीक्वेंस अपन को दी गई है, ये सीक्वेंस यदि बाउंडेड है, चूंकि मोनोटोनिक इंक्रीजिंग भी है, तो यदि ये बाउंडेड है तो अपन को ये प्रूव करना है ये कन्वर्जेंट है। ये कन्वर्जेंट होगी तो निश्चित रूप से उसकी कोई लिमिट एग्जिस्ट करेगी और वो लिमिट उसके सुप्रीमम के बराबर होगी, ये अपन को प्रूव करना है। चूंकि सीक्वेंस बाउंडेड है और सीक्वेंस रियल सीक्वेंस होती है, अपन जानते हैं रियल सीक्वेंस जो है वो रियल नंबर से बनती है और रियल नंबर एक कंप्लीट ऑर्डर्ड फील्ड होता है, और यदि रियल नंबर कंप्लीट ऑर्डर्ड फील्ड है तो कंप्लीटनेस प्रॉपर्टी ये कहती है कि जब सीक्वेंस बाउंडेड है, जो सेट बाउंडेड है, जो रियल नंबर बाउंडेड है, तो निश्चित रूप से उसका जो सुप्रीमम है वो उसमें मौजूद होगा। तो जब सीक्वेंस बाउंडेड है तो निश्चित रूप से उसका सुप्रीमम भी मौजूद होगा। अपन ये मान के चले कि लेट कैपिटल एन इज द supremum of sequence X। अपन ये जानते हैं कि यदि कैपिटल M इसका सुप्रीमम है तो सुप्रीमम तो उसकी अपर बाउंड होती है, तो सुप्रीमम की डेफिनेशन से ये आएगा दिस इंप्लाइज Xn इज लेस देन कैपिटल M और रादर इट इज इक्वल्स टू कैपिटल M फॉर ऑल n बिलोंग्स टू। ऐसे सभी सीक्वेंस के सभी पदों के लिए Xn का मान कैपिटल M से छोटा या बराबर होगा, क्योंकि कैपिटल M इसका सुप्रीमम। अपन इसको ऐसा भी लिख सकते हैं कि Xn विच इज लेस देन और इक्वल टू कैपिटल M इज ऑलवेज लेस देन कैपिटल M प्लस एप्सिलॉन नंबर। निश्चित रूप से सीक्वेंस के जो पद कैपिटल M से छोटे या बराबर हैं वो M प्लस एप्सिलॉन से डेफिनेटली छोटे होंगे। नाउ since capital M is the supremum of sequence Xn, capital M sequence Xn का supremum है, then there exists N0 belongs to N such that, then there exists N0 belongs to N such that, ऐसा N0 निश्चित रूप से मौजूद होगा, उस n0 के लिए xn0 का मान निकालेंगे यदि अपन, तो वो xn0 greater than होगा m minus epsilon से for all n greater than n0। यदि कैपिटल M उसका सुप्रीमम है तो निश्चित रूप से कम एक ऐसा n0 जरूर मौजूद होगा जिसके लिए xn0 का मान m minus epsilon से बड़ा होगा। कैसे? जैसे अपन ये मान के चले कि ये m आपका है, ये m माइनस एप्साइलन है और ये m प्लस एप्साइलन,
तो निश्चित रूप से ये कहता है कि यहाँ कोई ना कोई उस सीक्वेंस का एक पद जो एनजीओ के करस्पॉन्डिंग है, एक्सएनजीओ है, वो एक्सएनजीओ निश्चित रूप से एम माइनस एप्सिलॉन से बड़ा होगा। यदि वो एम माइनस एप्सिलॉन से बड़ा नहीं है तो निश्चित रूप से वो एम माइनस एप्सिलॉन से छोटा होगा, और यदि एम माइनस एप्सिलॉन से छोटा होगा तो एम माइनस एप्सिलॉन उस सीक्वेंस की अपर बाउंड होगी। यदि एम माइनस एप्सिलॉन उस सीक्वेंस की अपर बाउंड होगी तो निश्चित रूप से जब चूंकि एम माइनस एप्सिलॉन एम से छोटा है इसलिए उसका सुप्रीमम एम माइनस एप्सिलॉन होगा, न कि एम होगा, न कि एम होगा। इसलिए यहां पर ये कह सकते हैं कि एम माइनस एप्सिलॉन जो है वो एम माइनस एप्सिलॉन इसका अपर बाउंड नहीं हो सकता। तो सीक्वेंस में एक पद ऐसा जरूर मौजूद होगा जिसको आप एक्सएन जीरो कहते हो, वो एक्सएन जीरो एम माइनस एप्सिलॉन से बड़ा होगा जो यहां पर अपने पास है। तो यहां पर अपने पास दो इक्वेशन आए, बाई इक्वेशन सेकंड एंड थर्ड, बाई सेकंड एंड थर्ड अपने को ये रिजल्ट मिला। सेकंड ये कहता है कि एक्सएन इज लेस देन एम प्लस एप्सिलॉन, एंड थर्ड रिजल्ट ये कहता है कि xn0 इज ग्रेटर देन m माइनस एप्सिलॉन। सिंस n इज ग्रेटर देन m0, n इज ग्रेटर देन n0, एंड सीक्वेंस xn इज मोनोटोनिक इंक्रीजिंग, इसका मतलब ये निकलेगा कि xn इज ग्रेटर देन xn0 फॉर n ग्रेटर देन n0। यदि n n0 से बड़ा है और सीक्वेंस मोनोटोनिक इंक्रीजिंग है तो xn का मान xn0 से बड़ा होगा। सो वी राइट इट इज अगेन दैट xn इज लेस देन m प्लस एप्सिलॉन एंड xn व्हिच इज ग्रेटर देन xn0 एंड xn0 इज ग्रेटर देन m माइनस एप्सिलॉन for all n greater than n. So, rewriting this result again, we get xn lies between which is greater than m minus epsilon and less than m plus epsilon for all n greater than n. Or we can write it as modulus of xn minus n is less than epsilon for all n greater than n. And this is the definition of convergent of a sequence. ये जो है अपने पास ये convergent sequence की definition है, इसका मतलब ये निकलता है कि the sequence is xn is convergent, जो कि first part अपन को prove करना था कि जो sequence bounded है तो वो convergent होगी। तो sequence xn convergent है और इस वाली अवस्था में इसकी जो limit है वो किसके बराबर है, capital N के बराबर है, and limit n tends to infinite xn is equals to capital N. और capital M में अपने उस sequence का supremum मान रखा था, so this is equals to supremum of sequence. तो प्रत्येक sequence जो convergent है, monotonic increasing sequence जो convergent है, वो bounded भी होगी और इस वाली अवस्था में उसकी जो limit है वो उसके supremum के बराबर होगी। और दूसरी स्थिति में यदि कोई bounded sequence है अपने पास जिसके लिमिट उसके सुप्रीमम के बराबर होती है तो वो कन्वर्जेंट होगी, जो अपन ने प्रूव किया था। सो एवरी मोनोटोनिक इंक्रीजिंग सीक्वेंस कन्वर्जेंट इफ एंड ओनली इफ इट इज बाउंडेड एंड इन दिस केस इट्स लिमिट इज इट्स सुप्रीमम। थैंक यू वेरी मच।